आज हम बिना ओवन, बिना अंडा, बिना दही बहुत आसान तरीके से और बहुत ही सुपर सॉफ्ट, स्पॉन्जी और बहुत डिलीशियस चॉकलेट कपकेक या मग केक बनाएंगे। नमस्कार, मैं अपर्णा, स्वागत करती हूँ आपका बूलेस किचन में। तो चलिए कपकेक बनाना शुरू करते हैं। तो कपकेक बनाने के लिए हमें एक बाउल में लेना है 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा कप पिसी हुई चीनी और आप डालेंगे आधा कप दूध। तो यहाँ पे मैंने दूध रूम टेम्परेचर का लिया है। तो अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने चीनी को पानी और दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है और आप यहाँ पे देख सकते हो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मैदा। मैदा और सारी चीज़ों को हम अच्छे से छान लेंगे। तो ये मैंने डाला है 1 कप मैदा। इसके बाद हम डालेंगे 2.5 टेबल स्पून कोको पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और अब सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे। तो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने छान ली है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अभी हमें इसमें दूध वगैरह कुछ नहीं डालना है, पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन ये मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो इसलिए अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून दूध। तो ये दूध भी हमें रूम टेम्परेचर का ही लेना है और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच चॉकलेट एसेंस और अब सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार फिर से मिक्स कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा केक का बैटर तैयार हो गया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हो। हमें ये केक का बैटर इससे ज़्यादा ना गाढ़ा चाहिए ना पतला चाहिए, ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच विनेगर। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप इसमें 1 चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हो। तो देखिए विनेगर डालने के बाद ये मिक्सचर थोड़ा सा हल्का हो जाता है। तो विनेगर डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और ध्यान रखें हमें विनेगर डालने के बाद इसे बहुत ज़्यादा या बहुत देर तक हमें इसे नहीं मिक्स करना है, हल्के हाथ से हमें इसे थोड़ा ही मिक्स करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने विनेगर डालने के बाद मिक्सचर को हल्के हाथ से अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम ये बैटर कप में डाल देंगे। तो कपकेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आज इस तरह के, रोज़ हम जिसमें चाय पीते हैं वो टी कप लिए हैं। अगर आप इसमें कपकेक नहीं बनाना चाहते तो आप घर में की इस तरह की कोई भी कटोरी ले सकते हो। इसे तेल लगा के आप इसमें भी केक बना सकते हो। और अगर आप कटोरी भी नहीं लेना चाहते तो आप घर में के इस तरह के यूज़न थ्रो के टी कप ले सकते हो, इसमें भी बहुत अच्छे से केक बेक होता है। तो अब हम पहले कप को थोड़ा ग्रीस कर लेंगे तेल से, आप चाहे तो बटर या घी भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सारे कप को तेल से ग्रीस कर लिया है। तो अब हम इसमें बैटर डाल देंगे। ये कप केक बनाना बहुत आसान है और ये खाने में बहुत डिलीशियस लगते हैं, एकदम सुपर सॉफ्ट और स्पंजी बनते हैं। तो इसलिए आप ये कप केक एक बार ज़रूर बनाइए। और बनाने के बाद आपको ये रेसिपी कैसी लगी या फिर आपको ये कपकेक कैसे लगे ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अब हम इसी तरह से सारे कप में बैटर डाल देंगे और याद रखें कप में बैटर डालते समय हमें पूरे कप में बैटर नहीं डालना है, इस तरह से हमें केक फूलने के लिए कप में थोड़ी सी जगह खाली रखनी है, नहीं तो केक बेक होते समय कप में से बैटर नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारे कप में बैटर डाल दिया है और यहाँ पे हमारा और थोड़ा सा बैटर बच गया है। तो हम क्या करेंगे, ये छोटे वाले यूजन थ्रो के टी कप में बैटर डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे कप में बैटर डाल दिया है। तो अब हम इसे थोड़ा सा टैप कर लेंगे। इस तरह से टैप करने से इसमें जो भी एयर बबल्स रह गए होंगे वो निकल जाएंगे और हमारा केक अच्छे से फूलेगा। तो इसी तरह से हम सारे कप को टैप कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे कप को टैप कर लिया है।
और अब हम इस पे डालेंगे थोड़े से चोको चिप्स। यह हमारा केक खाने में तो डिलीशियस लगता ही है और चोको चिप्स डालने से यह दिखने में भी डिलीशियस लगेगा। तो अब हम इसे बेक करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने केक बेक करने के लिए एक बड़ा सा पतीला लिया है और उसमें हम इस तरह का एक स्टैंड रख देंगे। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप घर में की कोई भी डिश या कटोरी भी रख सकते हो। अब हम इस पे कप रखने के लिए इस तरह की एक प्लेन डिश रख देंगे और इस पे ढक के 5 मिनट के लिए हम इसे प्रीहीट कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो 5 मिनट तक मैंने यहाँ पे पतीले को प्रीहीट कर लिया है। तो अब हम इसमें कप रख देंगे और अब सारे कप पतीले में रखने के बाद हम इस पे ढक देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे 30 से 35 मिनट तक हम ये कप केक बेक कर लेंगे। तो मिलते हैं 35 मिनट के बाद। तो अब 35 मिनट हो गए हैं और आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे केक बहुत ही अच्छे से फूले हैं। तो अब हम इसमें टूथपिक डाल के देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टूथपिक क्लीन आई है, इसका मतलब हमारे कप केक या मग केक अच्छे से बेक हो गए हैं। अगर टूथपिक थोड़ी भी गीली आती है या फिर टूथपिक को थोड़ा भी बैटर चिपकता है तो आप इसे और 5 या 10 मिनट के लिए बेक कर सकते हो। तो अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और ठंडा होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी ये कपकेक बनके तैयार हो गए हैं। तो अब मैं आपको केक के अंदर का टेक्सचर दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी और बहुत ही डिलीशियस लगते हैं ये कपकेक, देखते ही मुँह में पानी आ जाता है। दिख रहा है ना एकदम बढ़िया। आप इसका अंदर का टेक्सचर भी देख सकते हो, बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। तो आप ये कपकेक ज़रूर बनाइए और ये रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं आपकी पसंद की रेसिपी के साथ, तब तक मस्त खाइए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।